हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अपराजिता और इसे लिखा है मालती जोशी जी ने। मम्मी, वह तुम्हारी फोकोलॉजी एक्सपर्ट चली आ रही है, खिड़की में खड़ी हुई बेबी ने सूचना दी। यद्यपि उसकी मेरी ओर पीठ थी, फिर भी मेरी कल्पना ने उसके चेहरे पर बिखरी शरारत भरी हंसी देख ली थी। अपना यह गोरख धंधा जल्दी से समेट लो, नहीं तो वे आते ही कुछ कमेंट कर देंगे, बेबी ने कहा। वैसे उसके कहने की ज़रूरत नहीं थी, अंजू के आने की सूचना पाकर मैं खुद ही अपनी बुनाई का फैलाव समेटने लगी थी। 3-4 पुराने स्वेटर खोलकर मैं एक रंग बिरंगा कार्डिगन बुन रही थी। निश्चित था कि आलोचना होगी और ज़रूर होगी, और मेरा मन कुछ ऐसा था कि जरा सी आलोचना से टूट ही जाता था। तू उसे ड्राइंग रूम में ही बिठाना, मैं यह सब रख कर अभी आई, मैंने कहा। बेबी ने सहमति में सिर हिला दिया, पर साथ ही साड़ी बदलने की सूचना भी दे दी। अंजू की लदगद करती वेशभूषा के सामने मेरी घरेलू साड़ियाँ इतनी हास्यास्पद हो उठती थी, इसी से बेबी की यह सूचना मैंने स्वीकार कर ली थी। यह अंजू भी कैसी है, साड़ी बदलते हुए मैंने सोचा। बचपन की सारी आदतें उसमें ज्यों की त्यों हैं। जब छोटी थी तब भी नुक्ताचीनी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, और पम्मी मेरी छोटी बहन रोनी रोनी हो जाती थी। पम्मी घर में सबसे सुंदर भी थी और छोटी भी। हम लोग तरह तरह से उसे सजाकर स्कूल भेजते, पर अंजू का एक ही फिकरा उसकी सारी सज्जा पर पानी फेर देता था। पम्मी की ही हम उम्र अंजू पड़ोस के ही घर में रहती थी। पिता तहसील में किसी पद पर थे, घर में 7-8 बच्चों का फैलाव था। आमदनी और खर्च का मेल बिठाने की कोशिश में पिता अक्सर घर से बाहर ही रहते। बार बार की प्रसूतियों से त्रस्त, कुटुंब की चिंता से ग्रस्त माँ दिन भर चीखती चिल्लाती रहती। इस माहौल में बच्चे बढ़ रहे थे, पर फटे पुराने कपड़ों में लिपटी रूखे बालों वाली अंजू का चेहरा उन 8 बच्चों में अलग ही चमकता था। उसके होंठ सदा भीचे रहते, चेहरा सदा तमतमाया रहता। दूसरों पर वार करने का कोई अवसर वह खाली नहीं जाने देती। अत्यधिक अभाव में पले बच्चों के मैंने 2 ही प्राय देखे हैं, या तो वे अत्यंत दयनीय बने हुए नम्रता की पराकाष्ठा बने रहते हैं, या फिर अंजू की तरह सम्मान के छोटे से कण के लिए भी हास्यास्पद ढंग से लड़ते रहते हैं। अंजू अपनी इसी विशेषता के कारण मेरी स्मृति से ओझल नहीं हो पाई थी, और इतने वर्षों के बाद भी मैं उसे पहचान गई थी। उम्र ने, शिक्षा ने तथा फैशन ने उसे संवार दिया था, पर संसार की ओर सदा तुच्छता से तिरस्कार से देखने वाली वे आँखें ज्यों की त्यों क्रांतिकारी थीं। न्यू मार्केट में हुई उस भेंट के बाद वह कई बार घर पर आई, और हर बार अपनी गर्वोक्तियों के कारण बच्चों के लिए मजाक का साधन बन गई। बाहर आने को थी कि बेबी ने दरवाजे पर ही रोककर फुसफुसाकर कहा, एकदम न्यू ब्रांड साड़ी पहनकर आई है, तुम्हें कसम है जो जरा भी तारीफ की। उसके गालों पर एक हल्की सी चपत जड़कर मैं बाहर आई। अंजू सचमुच किसी फैशन मॉडल की तरह कोच पर सजी धजी बैठी थी। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए मैंने कहा, कहो अंजू कैसी हो, आज फुर्सत कैसे मिल गई तुम्हें, क्या छुट्टी ली है? जी हाँ दीदी, आज मैंने ऑफ ले लिया है। वैसे बॉस तो कह रही थी कि क्यों सीएल खराब करती हो, 2 घंटे बैठकर चली जाना, पर मुझे इस तरह ओबलाइज होना अच्छा नहीं लगता। आते आते ही बातें शुरू हो गई। हाँ सो तो ठीक है, इस तरह शुरू करके मैंने कुछ कहना चाहा, पर उसकी बातें अभी पूरी नहीं हुई थी। दरअसल दीदी, बात यह है, बॉस मुझे ज़रा भी स्पेयर नहीं कर सकते। दफ्तर में और भी लोग हैं, पर वे किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, इसलिए मेरे ट्रांसफ़र की बात सुनते ही चीफ ऑफिस तक दौड़ जाते हैं। मेरा बस चले तो इस शहर में एक दिन न रहूं, पर क्या करूं, उनका मन रखना पड़ता है। यह बॉस पुराण शायद अभी और चलता, पर बेबी बीच में कूद पड़ी। कहाँ तो मुझे कसम दिला रही थी, कहाँ खुद ही बोल उठी, हाय आंटी, आज साड़ी क्या गजब की पहनकर आई हैं, कहाँ से ली, कितने की है, खूब कॉस्टली होगी ना? ऐसी ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, अंजू ने मुँह बनाकर कहा, मुझे सिर्फ 80 में पड़ी है, मिस नायर मैसूर गई थी, उन्हीं से मंगाई है, यहाँ से तो मैं कभी खरीदती ही नहीं। आंटी आपकी तो मौज है, आपकी फ्रेंड्स कभी मसूर, कभी कश्मीर, कभी कलकत्ता जाती रहती हैं, और आप चुपके चुपके साड़ियाँ मंगाती रहती हैं, पर यह साड़ी आपको हजम नहीं होने दूंगी, कहे देती हूँ, बेबी ने लाड भरी जिद की। तो ले लो न, मना कौन करता है, अंजू ने अत्यंत कृपावंत होकर कहा। वैसे भी मुझे इसका टेक्सचर कुछ खास नहीं जच रहा, पर इतने पर ही चुप कर जाए वह बेबी कैसी, नाटकीय मुद्रा में बोली, पता नहीं मुझ पर यह रंग सूट करेगा भी या नहीं, आप पर तो इतना खेल रहा है। मेरे लिए हंसी जब्त करना कठिन हो गया, और मैंने स्वर को यथासाध्य कठोर बनाकर कहा, बेबी जरा चाय का प्रबंध करो,
आंटी की क्या सिर्फ बातों से ही खातिर होगी? बड़े बेमन से बेबी ने रसोई का रुख किया। बेचारी बेबी सोचती है अंजू मुझ पर रोब डालना चाहती है, इसलिए उससे नाराज़ है। उसे क्या मालूम अपनी संपन्नता का नाटक कर अंजू मेरे दिल से दरिद्र बचपन की याद पोंछ डालना चाहती है। उसका यह प्रयत्न इतना दयनीय होता था कि गुस्से की बजाय मुझे दया ही हो आती थी। बेबी की बात का सूत्र पकड़कर अंजू ने बताया कि साड़ी को लेकर आज उसे कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं। यह भी बताया कि हर रंग उसे सूट कर जाता है और उसके साथ काम करने वाली लड़कियाँ इस कारण उससे ईर्ष्या करती हैं। फिर दफ्तर की चर्चा चल पड़ी। बॉस उससे कितना खुश है, उससे कितनी नम्रता से पेश आते हैं, कलीग्स उससे कितना खौफ खाते हैं, दफ्तर में उसका कितना रोब है। वही वही बातें सुन सुनकर मुझे याद सी हो गई थी। हर बार की तरह एकाद विवाह प्रस्ताव का भी जिक्र हुआ। शुरू शुरू में तो मैं इन प्रस्तावों को बड़ी गंभीरता से लेती थी और बड़ी बहन के नाते अपनी सलाह भी देती थी, पर अब पता चल गया था कि मेरी सलाह की जरा भी आवश्यकता नहीं है। यह तो महज उसकी लोकप्रियता का विज्ञापन था। वह शायद बतलाना चाहती थी कि उसके चाहने वालों की कमी नहीं है, उसके निर्णय की प्रतीक्षा भर शेष है। इसी बीच चाय आ गई। कप में चाय डालते हुए बेबी ने कहा, आंटी यह मठरी चखिए, मैंने बनाई है। अरे तुम यह सब बना लेती हो, अंजू ने आश्चर्य में भरकर कहा। आप विश्वास नहीं करेंगी दीदी, मुझे चाय तक ढंग से बनाने नहीं आती, इसलिए मैं पेइंग गेस्ट की तरह रहती हूँ। पहली तारीख को पैसे फेंके और सब झंझटों से छुट्टी। अंजू की इस बात पर मेरी कल्पना में उसके बचपन का घर तैर गया। नवजात शिशु को बगल में लिए माँ बिस्तर पर लेटी रहती और उनके निर्देशन में छोटी बड़ी सब बहनें रसोई में जुटी रहती। कच्ची पक्की रसोई बनाकर जब वे निपटती तो स्कूल का समय कभी कभी चुका होता। महीने में 20 दिन प्राय ऐसे ही निकल जाते। चाय खत्म होते होते बेबी को याद आया, आंटी मौसी ने फ़ोटो भेजी हैं, देखेंगी? बेबी के हाथ से फ़ोटो लेकर अंजू देर तक फ़ोटो देखती रही। बचपन में पम्मी का मजाक बनाने वाली अंजू से इस समय भी मैं कुछ सुनने की प्रतीक्षा में थी, पर वह कुछ नहीं बोली। फ़ोटो सचमुच सुंदर थी। दोनों बच्चे फूल की तरह कार के बोनट पर बैठे थे। उनके पीछे कंधे से कंधा लगाए डॉक्टर साहब और पम्मी थी। पम्मी पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। डॉक्टर साहब के कंधे पर कुछ इस अंदाज से झुकी हुई थी कि सारा चित्र उसके मधुर समर्पण का प्रतीक बन गया था। फोटो के साथ जो पत्र आया है उसे सुनोगी? मैंने कहा और उसकी संमति की प्रतीक्षा किए बिना वह अंश पढ़ने लगी जो पम्मी ने अंजू के लिए लिखा था। दीदी, यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारी वहाँ अंजू से मुलाकात हुई है। बचपन की कितनी ही यादें मन में तैर गई, उसे मिले एक अरसा हो गया। कैसी लगती है अब? कुछ मोटी हुई या वैसी ही है, सूखे बांस की तरह? उससे कहो मुझे पत्र लिखे और अपनी एक तस्वीर भी भेजे, अकेली की नहीं पूरी बटालियन के साथ। दीदी, उसके मियाँ से पूछना कि खाना वाना बनाकर भी देती है या दिन भर लड़ती ही रहती है। पत्र पढ़ते पढ़ते मैंने देखा अंजू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। फोटो उसके हाथ में कांप रहा था। उसकी मुद्रा किसी हारे हुए सैनिक की तरह दयनीय हो उठी थी। 29 वर्ष की अनब्याही उम्र व्यथा बनकर उसके सारे व्यक्तित्व पर छा गई थी। उसका यह रूप मुझे भीतर तक मत गया। ममता से भरकर मैंने कहा, माफ़ करना अंजू, मैं उसे यह लिखना भूल गई थी कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन सच तो यह है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। पम्मी को देखो, 2 बच्चों की माँ बन गई है। तुम भी झटपट कोई निर्णय ले डालो, हर काम समय पर ही अच्छा लगता है। चाची भी चिंता से मुक्त हो जाएंगी। आप क्या सोचती हैं दीदी, मेरी अम्मा शादी की चिंता में घुली जा रही हैं? नहीं दीदी, हमारे माँ बाप बड़े परमहंस प्रकृति के हैं। उन्होंने सिर्फ हम लोगों को जन्म देने भर की चिंता की थी, शेष भार परम पिता परमेश्वर को सौंप दिया है। छी अंजू, ऐसा नहीं कहते, मैंने बेबी की उपस्थिति से संकुचित होते हुए कहा। जाने दीजिए, आपको ऐसी बातें सुनने तक में अच्छी नहीं लगती, जबकि हमने इसे जिया है। आपकी कल्पना में माँ बाप त्याग और तपस्या के प्रतीक हैं, हमारे लिए माता पिता केवल अभावों के आश्रयदाता हैं। जानती हैं दीदी, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं जानते, उस उम्र में हमने इच्छाओं को मारना सीख लिया था। बड़ा कठिन दुख है दीदी, सिर्फ सहकर ही जाना जा सकता है। कहते कहते अंजू हंस पड़ी, ऐसी हंसी जो रोने से भी अधिक करुण थी। लेकिन अंजू, बीती बातों पर सोचने से क्या फ़ायदा, मैंने समझाते हुए कहा। अब तो तुम स्वतंत्र हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तुमसे विवाह करने के इच्छुक व्यक्तियों की भी कमी नहीं, तुम अपना भविष्य खुद बना सकती हो। जानती हो, पम्मी ने अपनी शादी खुद तय की थी, पिताजी तो तब थे भी नहीं। आप बार बार पम्मी से मेरी तुलना क्यों करती हैं, उसने खींच कर कहा।
पम्मी के पिताजी उसके लिए सुंदर भविष्य की योजना बनाकर गए थे। हमारे पूज्य पिताजी हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं? एक बीमार माँ, चार छोटे भाई बहन और ढेर सारा कर्ज। लेकिन तुम्हारे बड़े भाई हैं तो अपनी रोजी कमाने लायक तो उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, परिवार का भार वे क्या उठाएंगे? बहनों की शादी भी की है तो ऐसी जगह है कि एक दिन के लिए भी उनके आंसू नहीं सूखे। दान दहेज के अभाव में अच्छे घर मिलते भी कहाँ हैं? मैं चुप थी। क्या कहती? इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ मुझे कौन ब्याहना चाहेगा दीदी, और मेरा स्वाभिमान भी यह गवारा नहीं करेगा। अपने सुख के लिए मैं इन लोगों को जिंदगी की सड़क पर बेसहारा नहीं छोड़ सकती, और न ही मैं किसी के उपकारों का बोझ बनना चाहती हूँ। चाहे वे मेरे पति ही क्यों न हों, अपने सिर पर ले सकती हूँ। कहते कहते उसके मुख पर पहले किसी चमक लौट आई थी। अब थोड़े दिनों की और बात है, चारों कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई खत्म होते होते मैं बहनों की शादी कर दूंगी। छोटा भाई इंटेलिजेंट है, डॉक्टर बनने का मेरा सपना वह पूरा कर रहा है। इन सब से निपटने के बाद समय रहा तो अपने बारे में सोचूंगी। जन्मदाताओं की भूलों का मैं अकेले ही प्रायश्चित कर लूंगी। कम से कम चार मासूम जिंदगियां तो उस अभिशाप से बच जाएंगी। बोलते बोलते श्रम से उत्तेजना से उसका चेहरा तमतमा आया था। अब उस पर मुझे हंसी नहीं आ रही थी। उसका यह रूप मेरे लिए नया था। संसार को तुच्छ समझने वाली, हमेशा अपने पर गर्व करने वाली अंजू के लिए मन में श्रद्धा जाग रही थी। लग रहा था यह उसका अधिकार है, क्योंकि उसने विषम परिस्थितियों के बीच से अपना रास्ता खुद बनाया है। अपने साथ चार व्यक्तियों का निर्माण किया। उसने दया की भीख को ठुकरा कर हमेशा अपने कृतित्व का सहारा लिया है। सचमुच आज भी वह अपराजिता है।